ये सुपर सॉफ्ट आइसक्रीम बनाने के लिए हमने इसमें ना ही किसी तरह का कंडेंस मिल्क का यूज़ किया है, ना ही अंडा, ना ही इलेक्ट्रिक बीटर, और इसे हमने बनाया है कस्टर्ड पाउडर से, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही सॉफ्ट सॉफ्ट आइसक्रीम। तो इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पर ले रहे हैं 1 कप दूध ले रहे हैं हम, और इसमें हम डालेंगे 4 बड़े चम्मच चीनी, और इसमें अच्छा सा उबाल आने देंगे, और हम थोड़ा सा दूध जो है अलग बर्तन में निकाल ले रहे हैं। तो ये लगभग हम 4 चम्मच जो है दूध निकाल रहे हैं, और दूध को हम रख दे रहे हैं हल्का, इसमें उबाल आ जाए अच्छे से। और फिर इस दूध में हम डालेंगे 2 चम्मच वनीला फ्लेवर का कस्टर्ड पाउडर, और इसे डालकर हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसे अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच हम इसमें मिल्क पाउडर डालेंगे। तो आप किसी भी ब्रांड का मिल्क पाउडर ले सकते हैं, और इसे डालने से इसमें बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आएगा, और ये जो है मिल्क पाउडर जो है हमारे आइसक्रीम में बर्फ़ नहीं जमने देगी, जो एक्स्ट्रा इसमें पानी होगा उसे सो एब्जॉर्ब कर लेगी अपने अंदर, और बहुत ही सुपर सॉफ्ट हमारी आइसक्रीम बन करके तैयार होगी। तो ये देख लिए हमने कस्टर्ड पाउडर और मिल्क पाउडर को अच्छे से घोल लिया है, और अब जो है दूध भी हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। तो एक बात और, हमें दूध को पूरा फुल जो है क्रीम वाला दूध लेना है, इसमें दूध की जो मलाई हो वो मलाई भी ले लेनी है इस दूध में। और अब जो है हम इस घोल को इसमें डाल देंगे कस्टर्ड पाउडर का, और एक हाथ से डालते जाएंगे और इस चम्मच को चलाते जाएंगे। तो इसे डालने के बाद हम इसे जो है लगातार चलाते रहेंगे, तो दो तीन मिनट में ये बहुत ही अच्छे से जो है ये हमारा जो है ये घोल बन करके तैयार होगा, बहुत ही अच्छे से ये पक जाएगा। तो ये देखिए कुछ हमने 1-2-3 मिनट ही हमने पकाया है, और ये बिल्कुल अच्छे से गाढ़ा हो गया है, तो हम इसे अच्छे से पका लेंगे। और ये देखिए इसी तरह से हमें चलाते रहना है, और फ्लेम को लो ही रखना है। तो ये आइसक्रीम बनने के बाद बहुत ही टेस्टी होती है, और बहुत ही कम जो है चीज़ों से ये बन करके तैयार होती है। तो ये देखिए अब ये पक चुका है, हम अब इसे गैस से हटा देंगे और इसे थोड़ा ठंडा हो जाने देंगे, और फिर हम इसे जो है एक दूसरे बर्तन में हम इसे निकाल ले रहे हैं। तो इस बाउल में हम डालने के बाद इसे हम जो है रख देंगे फ्रीज में 1 घंटे के लिए। तो फ्रेंड्स, आप सबको हमारी वीडियोस अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप हमारी वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये देखिए 1 घंटे के बाद हमने इसे फ्रिज से निकाल लिया है, तो ये देखिए इस तरह से हो गया है। और अब हम लेंगे मिक्सी जार लेंगे, और इसमें हम जो है इस बैटर को इसमें डाल देंगे आइसक्रीम के, और मिक्सी जार में डालने के बाद और इसमें डालेंगे हम एक बहुत ही ख़ास चीज़, वो है अमूल फ्रेश क्रीम। तो इस क्रीम का करना इसमें बहुत ही ज़रूरी है, इससे हमारा जो है आइसक्रीम बिल्कुल बाजार की तरह सुपर सॉफ्ट बनेगा। तो हम यहाँ 1 कप जो है पूरा अमूल क्रीम ले लेंगे, और इसे डालने के बाद हम इसे अच्छे से ब्लेंड कर ले पीस ले रहे हैं, और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा 1/2 चम्मच हम वनीला एसेंस डालेंगे। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे वनीला फ्लेवर का जो है कस्टर्ड पाउडर लिया है, तो उससे भी बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। तो ये देखिए इसे हमने थोड़ी देर के लिए इसे हमने मिक्सर पे चला दिया है, तो ये बहुत ही अच्छे से बहुत ही हल्का फ्लफी हो गया है। और फिर हम लेंगे इस तरह से एक प्लास्टिक का कंटेनर लेंगे, टिफ़िन बॉक्स हो आपके पास, कुछ हो इस तरह का, तो आप उसे ले लें और इसमें डाल दें इस बैटर को, और इसके ऊपर फिर हम लगा देंगे इस तरह से पॉलीथीन लगा देंगे, इस तरह से इस पर टच करते हुए इस पर लगा दें, और इससे क्या होगा जो है इसके ऊपर जो है आइसक्रीम के जो है बर्फ़ नहीं जमेगी। और इस पर ढक्कन लगाते हुए हम इसे रख देंगे 5 से 6 घंटे के लिए, हम इसे फ्रीज़र में रख देंगे। अगर आप चाहें तो ओवरनाइट भी रख सकते हैं। तो लेकिन फिर क्या हुआ फ्रेंड्स, हमने रखा तो इसे फ्रीज़र में, लेकिन हमारे यहाँ लाइट ख़राब हो गई, यहाँ का ट्रांसफार्मर जल गया, तो हमने सिर्फ इसे 3 घंटा ही जो
है फ्रीज़र में रख पाया, इससे जो है ये बहुत ही अच्छे से नहीं जम पाया। हम इसे आपको दिखा रहे हैं कि थोड़ा ये जो है बहुत ही कम जमा है, तो इस तरह से हमारी ये रेसिपी उतनी अच्छी नहीं बन पाई जितना हम इसे बनाना चाहते थे। हमने बहुत मेहनत की, लेकिन हमने सोचा कि हम आप लोगों तक ये वीडियो पहुँचाएँ, लेकिन एक बार हमारा मन हुआ कि हम रहने दें ना डालें इस वीडियो को, लेकिन फिर हमने कहा जैसा भी बना है हमने मेहनत तो की है, लेकिन हम आप लोगों को दिखा दें, आप सबके साथ शेयर कर दें। तो ये देखिए हमने इसे जो है निकाल लिया, फिर जो है इस पर हम थोड़ा जो है इस पर पिस्ते और बादाम से हमने इसे सजा दिया है। तो ये देखिए इस तरह का इसका टेक्सचर है, ये उतना अच्छा नहीं जम पाया है, लेकिन हमने फिर भी कोशिश अच्छी की थी। तो फ्रेंड्स, अगर आप सबको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। खाने में इस आइसक्रीम का टेस्ट बहुत ही अच्छा था, सबको बहुत पसंद आया है।